Hello and welcome all of you. You are watching K Commerce Academy with me, Kunal Singhal. So for class 12th accountancy project work, we are discussing today the topic of segment reporting. जैसे कि 2021 examination के लिए आप लोगों को CBSE ने specify किया है सिर्फ एक specific project बनाना है, only one. और वो आपका segment reporting हो सकता है, accounting ratios पे हो सकता है, cash flow statement पे हो सकता है. आज हम discuss करने वाले हैं segment reporting analysis के लिए. So सबसे पहले इसका meaning समझें. अक्सर बच्चों को यही confusion रहता है, what do we mean by segment analysis? So, segment analysis means intra firm or the department wise comparison made using accounting tools. यानी कि कोई भी ऐसा बिजनेस चूज करें जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हों, फॉर एग्जांपल गारमेंट्स, फुटवेयर, मेडिसिन, अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हों और उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना रखे हों. उन डिपार्टमेंट्स का परफॉर्मेंस जब हम आपस में कंपेयर करते हैं, सपोज थ्री डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों में से प्रॉफिट सबसे अच्छा किसका है, तीनों में रेवेन्यू किसने अच्छा जनरेट किया है, तीनों में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है, इसी कंपैरिजन को हम बोलते हैं डिपार्टमेंट वाइज एनालिसिस और सेक्शन वाइज एनालिसिस और सेगमेंट रिपोर्टिंग और सेगमेंट एनालिसिस. ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप्स आपको क्या फॉलो करने हैं. सबसे पहला, आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं, या तो अकाउंटिंग रेशियोज या फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट, इन दोनों में से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस सेगमेंट रिपोर्टिंग. देन बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या रहेगा, सीबीएसई ने स्पेसिफाई किया है रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, इन तीनों के बेसिस पे ही आपको अपना सेगमेंट रिपोर्टिंग का प्रोजेक्ट बनाना है. सो रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड को बेस ऑफ एनालिसिस लेना है. एंड लास्टली, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आपको क्या क्या बनाना है, बार ग्राफ और पाई डायग्राम. अगर आपने अकाउंटिंग रेशियोज़ को टूल्स यूज़ किया है तो बार ग्राफ्स के थ्रू आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें, और अगर आपने अकाउंटिंग टूल यूज़ किया है कॉमन साइज स्टेटमेंट तो आप पाई डायग्राम, पाई चार्ट बना के अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दें. ओके, अब मैं एक प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सेगमेंट रिपोर्टिंग के का ही प्रोजेक्ट है. इसको देख के भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जो चीज़ मैंने समझाई है. माइंड में टॉपिक ये क्लियर होना चाहिए कि हमें आपस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कंपैरिजन करना है. यहाँ पे कंपैरिजन के लिए इन्होंने टूल्स यूज़ किए नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर और रेवेन्यू, इन तीन को इन्होंने लिया है बेसिस ऑफ कंपैरिजन. बट मैंने आपको क्या बताया, बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किया है पहला रेवेन्यू, देन नेट प्रॉफिट और देन लास्टली आप लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड. ये तीन बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किए हैं. सो ये तो जो अभी आपके सामने दिख रहा है ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, नॉट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट ईयर्स का. देखिए, जो कंपैरिजन है वो भी क्रॉस सेक्शनल भी होते हैं और टाइम सीरीज भी होता है. जब टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स को आप आपस में कंपेयर करते हैं तो वो टाइम सीरीज एनालिसिस हो जाता है, और जब टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो क्रॉस सेक्शनल या फिर सेगमेंट एनालिसिस हो जाता है. तो यहाँ पे हमने दोनों तरह का प्रेजेंट कर दिया इस प्रोजेक्ट में. पहले पार्ट में प्रोजेक्ट में प्रेजेंट किया था हमने क्या, टाइम सीरीज डिफरेंट पीरियड्स का, और अब यहाँ पे पाई चार्ट के थ्रू कॉमन साइज टूल हमने लिया है और पाई चार्ट बना के कंपैरिजन कर रहे हैं हम किस में, वेरियस डिपार्टमेंट्स में. दैट इज़ यहाँ पे देखिए आप, इंटरनेट डिपार्टमेंट है, वाटर स्टेशनरी है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में कंपैरिजन के थ्रू हम सेगमेंट रिपोर्टिंग प्रेजेंट कर रहे हैं. इसी के साथ में इसी प्रोजेक्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उसको भी आप देख लें, समझ लें. करना क्या है, आपको किसी भी एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी को सर्च करना है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हों, और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गूगल से जाके डाउनलोड कर लीजिए. बनाने नहीं है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनियों को, डाबर हुआ, पतंजलि हुआ, PNG है, बहुत सारी HUL है, बहुत सारी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, उनके 2 ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेट से डाउनलोड कर लो. डाउनलोड करने के बाद में उनका आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लो, या फिर कॉमन साइज प्रिपेयर कर लो, या फिर रेशियो एनालिसिस प्रिपेयर कर लो, और उसका सेगमेंट रिपोर्टिंग आपका बन जाएगा. तो ये था मेरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट वर्क ऑन द टॉपिक ऑफ सेगमेंट एनालिसिस. और कोई कन्फ्यूज़न अगर बचा है, माइंड में किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं. मेरा मेल ID है kunalsinghal85@gmail.com. डायरेक्टली आप मेल कर सकते हैं मुझे किसी भी क्वेरी के लिए. और इस प्रोजेक्ट का PDF अगर आपको चाहिए तो कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के PDF को. बट मैं ये सजेस्ट करूँगा, एज इट इज़ कॉपी ना करें, आप अपनी क्रिएटिविटी ज़रूर यूज़ करें, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें K Commerce Academy को. थैंक यू.